नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं सूर्यांश प्रशांत अवस्थी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के आने वाली वैकेंसीज के बारे में, जो कि 25,000 से ज्यादा होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने इस वैकेंसी की वीडियो की। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी से अपडेटेड कोई भी वीडियो होगा आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री आप कॉस्ट क्लासेस देखने को मिलेंगी, वो भी। सबसे पहले मैं आपको सैलरी स्ट्रक्चर दिखा देता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कैटेगरी और सैलरी। यहां पर ये बेसिक सैलरी होने वाली है और पीआरटी की अगर बात करें तो आपको 35,000 प्लस सैलरी यहां पर ऑफर की जाती है। साथ में आपके टीजीटी में 45,000 रुपये सैलरी रहने वाली है और पीजीटी में आपकी 48,000, मतलब पहली सैलरी आपकी कम से कम इतनी आपके हाथ में आने वाली है। दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट जॉब होने वाली है, इस चीज से निश्चिंत रहिएगा। और पूरी 25,000 से ज्यादा वैकेंसी है, मतलब बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। तो इस वीडियो में एक एक करके हर एक चीज पूरा डिटेल के साथ बताते हैं कि कितनी वैकेंसी है। और दोस्तों, यही मौका है जब आपको अपने लिए एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है और आपको जो बेरोजगारी का जीवन अभी तक जी रहे थे उससे आजादी पानी है, तो तैयार हो जाइए और फोकस करिए अपनी पढ़ाई के ऊपर। अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको 25,000 प्लस देखने को मिलती है, जिसमें आपकी पोस्ट में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी होने वाली है, साथ में आपकी टीजीटी की वैकेंसी होने वाली है और पीजीटी की वैकेंसी होने वाली है। एग्जाम डेट की बात करें तो 15 अक्टूबर को ये एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। तो मतलब अभी आपके पास थोड़ा वक्त है जिसमें आप अपनी तैयारी प्रॉपर कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो पोस्ट वाइज आपको यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिलेगी। जैसे अगर आप पीआरटी अप्लाई करते हैं तो आपका अलग क्राइटेरिया होगा, टीजीटी करते हैं तो अलग क्राइटेरिया होगा, और आप अगर पीजीटी करते हैं तो आपका अलग क्राइटेरिया होने वाला है। यहां पर आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिर्फ रिटर्न एग्जाम होने वाला है, मतलब केवीएस की तरीके आपको यहां पर कोई भी इंटरव्यू नहीं देना है। और जैसा केवीएस का अभी तक इंटरव्यू की डेट्स नहीं आई हैं, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कि कब आएंगी और नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, हर एक चीज डिटेल के साथ बताने वाला हूं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम लोग अपनी एक एक करके इसके सारे स्टेप्स की। अगर पीआरटी के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो दोस्तों, पीआरटी वालों को 12th होनी चाहिए विद मिनिमम 45% मार्किंग के साथ। मतलब अगर आप 12 किए हुए हैं और 45% मिनिमम कैटेगरी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में इसके साथ ही डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट आपका नर्सरी में होना चाहिए और साथ में या आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ये यहाँ पर आपको दो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाले हैं। इसके साथ आपको मस्ट हैव स्टडी हिंदी इन क्लास 12, आपको 12th में हिंदी आपके पास होनी चाहिए तो आप इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। पीआरटी की बात करें तो क्लास 12th और मिनिमम आपके 50% मार्क की मांगी गई है, साथ में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और मस्ट हैव क्वालिफाइड सीटेड, मतलब इसमें सीटेड आपका कंपलसरी होने वाला है अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर पीजीटी की बात करें तो मास्टर्स विद 50%, मतलब जैसा आप लोग जानते हैं पीजीटी के लिए मास्टर्स होना चाहिए, वो आपका कोई भी मास्टर्स होगा यहाँ पर आप उसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसमें किसी भी टाइप का कोई डाउट नहीं होने वाला। साथ ही डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन और बीएड, ये आपके कंपलसरी होने वाले हैं। तो आप लोगों को ज़्यादातर जो लोग टीचिंग के एग्जाम देते हैं उन सभी लोगों के पास इसमें कुछ ना कुछ जरूर होता है, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों यही मौका है। 25,000 से ज़्यादा वैकेंसी निकलेगी और फटाफट आपकी वैकेंसी क्लियर होगी। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ ये कौन सी वैकेंसी होने वाली है, तो आप सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं टीजीटी वालों के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 45% मार्किंग होनी चाहिए। इसके साथ ही बीएड और मस्ट हैव सीटेड, मतलब आप पीजीटी के लिए अप्लाई करें या आप टीजीटी के लिए अप्लाई करें आपके पास सीटेड क्लियर होना जरूरी होता है। हाँ, आपके पीआरटी के लिए पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड में अगर आपका पेपर फर्स्ट क्लियर है तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसमें प्रकार की किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। अगर कट ऑफ की बात करें, क्योंकि कट ऑफ एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है दोस्तों, अगर जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके 45% मिनिमम मार्क होने चाहिए, उसके बाद ही आपकी कॉपी चेक की जाएगी। ओबीसी के लिए ये क्राइटेरिया 40% का होने वाला है,
सभी लोगों की कॉपी चेक की जाएगी और एससी और एसटी के लिए 35-35% का ये क्राइटेरिया रखा गया है। तो ओवरऑल अगर बात करें वैकेंसी काफी जबरदस्त होने वाली है, सैलरी पैकेज भी मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे बात कर लेते हैं कि इसके लिए एज क्या रहने वाली है। दोस्तों अगर एज की बात करें तो 30 ईयर मांगी गई है इसमें एज, साथ में इसके साथ ही आप लोगों को जिन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलता है वो ओबीसी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर आप 3 साल और ऐड कर सकते हैं, एससी एसटी हैं तो 5 साल ऐड कर सकते हैं, मतलब एससी एसटी के लिए 35 साल और जनरल का जो कैंडिडेट है उसके लिए 30 ईयर, ये एज क्राइटेरिया रखा गया है। दोस्तों ये तो ओवरऑल डिटेल हो गई इस वैकेंसी के बारे में। अब बात करते हैं एक्चुअल में वैकेंसी है कौन सी। तो दोस्तों ये वैकेंसी है DSSB की वैकेंसी। दोस्तों ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है और इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अभी यहाँ पर आपको जो 25,000 के अप्रॉक्स पोस्ट देखने को मिल सकती हैं उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, कम होने के चांसेस 1% हैं और बढ़ने के चांसेस 99% हैं। 25,000 से ये आपको वैकेंसी भरी हुई देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं एक्चुअल पेपर में क्या आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों DSSB का एक ऐसा पेपर है जिसके अंदर आपको जो पैडागॉजी होगी उसमें जबरदस्त पेपर देखने को मिलता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। अगर आप DSSB की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपनी पैडागॉजी पर बहुत फोकस करिएगा। इसमें जो सीटेट की पैडागॉजी आती है, लोग इस पैडागॉजी को टफ मानते हैं, पर मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता दूं कि सीटेट की पैडागॉजी, इसके सामने अगर ये सीटेट 100 आती है तो ये मानिएगा ये 250 आती है, मतलब 1.5 गुने से ज़्यादा का अंतर आपको इसकी पैडागॉजी में देखने को मिलता है। मैं यहाँ पर किसी को डरवा नहीं रहा हूँ कि मैं किसी को डरवा रहा हूँ, पर दोस्तों मेरा सीधा सीधा एक क्लियर उद्देश्य है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको डेप्थ तक तैयारी करनी है और एकदम ऐसी तैयारी करनी है, परफेक्शन के साथ तैयारी करनी है कि आप अगर DSSB के इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं ना दोस्तों, तो आपका वो एग्जाम एकदम 100% क्लियर होना चाहिए। और इसकी आपको प्रॉपर क्लासेस 100% फ्री प्रॉपर क्लासेस देखने को मिलेंगी जिससे आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकें। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ में अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट आपको बताना पड़ेगा कि किस स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हैं, पर अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और इसके आप नोट्स चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप वहां से इसके नोट्स ले सकते हैं। इनमें आपको सिर्फ नॉमिनल चार्ज किया गया है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं किया गया है। और ये नोट्स दोस्तों मैंने खुद बनाए हैं, एकदम 100% परफेक्शन के साथ बनाए हैं। और जो ये नोट्स अगर आप प्रॉपर पढ़ते हैं तो ये मानिएगा 120 प्लस की तैयारी आपकी होने वाली है। इसमें आपको मैथ के नोट्स जरूर नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, वो आपका CDP हो, वो आपका हिस्ट्री हो, वो आपका जियोग्राफी हो, कंप्यूटर हो, कोई भी हो, उसके प्रॉपर आपको नोट्स दिए जाएंगे जिससे आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सके और इम्प्रूव कर सके। और ये नोट्स उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे जो लोग अपनी घर पर तैयारी करना चाहते हैं। और दोस्तों एक चीज़ की और गारंटी देता हूँ, जैसा आप किसी अच्छी से अच्छी कोचिंग में जाकर अपने लिए नोट्स तैयार करेंगे, सेम वैसे ही और उससे अच्छे और सरप्लस नोट्स मैं आपको इस PDF के माध्यम से दूंगा। और इसके लिए आपसे नॉमिनल चार्ज भी लिया जाएगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स नहीं होने वाले। अगर आप अपनी तैयारी और अच्छी चाहते हैं या आप कोचिंग नहीं जा सकते, घर पर पढ़ना चाहते हैं, तो एक सिलेक्टिव टॉपिक, आपको सिलेक्टिव डाटा पूरा रिसर्च के साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों ये तो हो गई ओवरऑल इन्फॉर्मेशन DSSB के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक अगर आप लोग चैनल पर नए थे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।